कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आतंकवादी कहने के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध आग की तरह तेज हो गया है। कांग्रेस इस बयान से आग बबूला हो गई है और आज दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता रवनीत बिट्टू के पुतले फूंक रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी ऑफिस के सामने भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में भाग ले रहे हैं। काबिले गौर है कि इस आग के पीछे का कारण केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का वह बयान है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी को देश का नंबर वन आतंकवादी कह डाला। इसके बाद आग में घी डालने का काम किया बीजेपी के एक और नेता ने, जिन्होंने रवनीत बिट्टू के बयान का समर्थन किया था। इसी बयान के विरोध में कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए हैं। कार्यकर्ता ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध में कार्यकर्ताओं ने रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला दहन भी किया। दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ समेत अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि रवनीत सिंह बिट्टू अपने बयान के लिए माफी मांगे।